तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन पे का जो UPI पिन है उसे रीसेट करना चाहते हैं बिना ATM कार्ड के, यानी बिना ATM कार्ड के आप अपना UPI पिन बदलना चाहते हैं, यानी जो भी आपने UPI पिन फ़ोन पे में बनाया हुआ था वो UPI पिन आप भूल चुके हैं, वो UPI पिन आपको याद नहीं है और आपके पास आपका ATM कार्ड भी अवेलेबल नहीं है, तो आप बिना ATM कार्ड के अपना जो फ़ोनपे का UPI पिन है उसे किस तरीके से दोबारा फिर से सेट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए उस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। UPI पिन रीसेट करने के लिए, यानी बिना के ATM कार्ड के आप अपना फ़ोन पे का UPI पिन अगर रीसेट करना चाहते हैं, नया सेट करना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, तो फ़ोन पे अपना ओपन कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से फ़ोन पे का डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल फोटो आपको दिख रहा होगा, हो सकता है आपको प्रोफाइल का आइकन मिले, यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन फिर से नज़र आएगा, तो यहाँ पर जो पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन में पहले नंबर पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है बैंक अकाउंट का, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी फ़ोन पे के साथ आपने बैंक अकाउंट लिंक किया होगा वो अकाउंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर एक से ज़्यादा आपने अकाउंट लिंक किया है तो सभी अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब जिस भी अकाउंट का UPI पिन रीसेट करना चाहते हैं, आप अपना UPI पिन भूल चुके हैं और बिना ATM कार्ड के अपना UPI पिन रीसेट करना है आपको, तो आपको अपने उस बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगला इंटरफेस इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पर UPI पिन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है और उसके ठीक सामने देख सकते हैं रीसेट और चेंज का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपना फ़ोन पे का जो UPI पिन है उसे चेंज करना चाहते हैं, अपना ओल्ड UPI पिन आपको पता है, तो चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो ओल्ड UPI पिन इंटर करेंगे और उसके बाद नया UPI पिन जो आप रखना चाहते हैं वो इंटर करेंगे, फिर से अपना नया UPI पिन डालकर कंफर्म कर देंगे, तो आपका जो UPI पिन है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना UPI पिन रीसेट करना चाहते हैं, आप अपना ओल्ड UPI पिन जो है वो भूल चुके हैं, तो यहाँ पर रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा आपके सामने, दो ऑप्शन दिखाई देगा, आधार नंबर लिंक विथ बैंक जो कि पहला ऑप्शन होगा, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डेबिट ATM कार्ड का। अगर आपको ATM डेबिट कार्ड आपके पास मौजूद है, ATM डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, तो यह ATM डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके प्रोसीड कर देंगे। ATM कार्ड का डिटेल्स आप इंटर करेंगे, उसके बाद आपको बैंक की तरफ से OTP आएगा और उसके बाद अपना UPI पिन आप रीसेट कर सकते हैं। लेकिन बिना ATM कार्ड के करना है तो यहाँ पर आधार नंबर लिंक विथ बैंक वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बस कुछ सेकंड आप वेट करेंगे, इस तरीके से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अगला इंटरफेस इस तरीके से शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड का जो भी आपका नंबर है उसका स्टार्टिंग का 6 अंक आप यहाँ पर डाल लेंगे, यानी स्टार्टिंग का फर्स्ट 6 डिजिट आपको 6 अंक आपको शुरू का यहाँ पर डालना है, जो भी आधार कार्ड का नंबर होगा, उसके बाद नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आधार कार्ड की तरफ से आपके रजिस्टर नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं लेता है तो मैनुअली आप इंटर करेंगे, क्योंकि मैसेज के थ्रू आपको OTP मिल जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो ब्लू टिक दिख रहा है, आप इस ब्लू टिक के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जो दूसरा OTP आएगा आपको बैंक की तरफ से आपके रजिस्टर नंबर पर भेजा जाएगा, जो कि आपके बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा, उस OTP को आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे। हो सकता है वो OTP ऑटोमेटिक ले ले, अगर नहीं लेता है तो आप मैनुअली यहाँ पर इंटर कर लेंगे। उसके बाद आप इस ब्लू टिक का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं आपके सामने सेट 6 डिजिट UPI पिन, यानी नया UPI पिन सेट करने का जो ऑप्शन है वो मिल चुका है। तो जो भी आप UPI पिन अब रखना चाहते हैं उस UPI पिन को आप यहाँ पर इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ब्लू टिक के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। अगला इंटरफेस में फिर से आपको उसी पिन को डालना होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कन्फर्म 6 डिजिट UPI पिन, यानी जो भी आपने UPI पिन सेट करने के लिए डाला हुआ था सेम पिन दोबारा आप यहां पर इंटर कर लेंगे, उसके बाद इस ब्लू टिक के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी आपका फ़ोनपे का UPI पिन है आसानी से रिसेट हो जाएगा।